अर्थर का देखने वाले तमाम दर्शकों को अरविंद शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। देशा में देश हरियाणा, हरियाणा वालिया का खाना, हरियाणा वालिया का पाना एक अलग होता है, एक अलग ही रुतबा होता है हरियाणा का। हम हरियाणा वासी हैं और आज गीता जयंती पर एक जो हरियाणा हेरिटेज विरासत हेरिटेज बनाई गई है, आज हम उसका अवलोकन करवाएंगे अपने दर्शकों को। आइए हम चलते हैं यहाँ पे उपस्थित जो हमारे ताऊ आए हुए हैं और काफ़ी जो लोग आए हुए हैं उनसे हम सीधी बातचीत करेंगे। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हरियाणा का जो लोहार एरिया हम दिखाया गया है, बहुत ही अजब का दिखाया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि कंप्लीट दिखाएं कि किस हिसाब से हमारा जो कल्चर था, हरियाणवी कल्चर जो लुप्त होता जा रहा है, आज यहां पर दिखाया गया है। एक लोहार की ज़िंदगी जो होती है वो दिखाई गई है, दर्शाई गई है किस प्रकार लोहार कितनी मेहनत करके एक जो बर्तनों को और जो लोहे का सामान है यहाँ बनाया गया है वो दिखाया गया है। एक लोहार की मेहनत को दिखाया गया है। हम अब आगे चलते हैं यहाँ से ही कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोहे का सामान काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है। और छाज छाननी अगर बात करें, आगे चलें तो छाज छाननियाँ दिखाई गई हैं कि जो पुराने ज़माने में बनाए गए थे हमारे छाज छाननी, एक अलग से दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस कदर एक हरियाणा का कल्चर है वो बहुत ही अच्छे उमदा तरीके से दिखाया जा रहा है। और किस हिसाब से ये ताऊ जो बैठा है हमारे बीच में, ये छाज का जो निर्माण कर रहा है, जो टोपा है, ये टोकरा है, ये बनाया जा रहा है, ये टोकरे का निर्माण जो लग रहा है ताऊ करने, वो किस हिसाब से ताऊ लगा हुआ है अपनी मेहनत में। पुराने बुजुर्ग जो लगा करते थे वो एक बहुत ही अद्भुत तरीके से यहाँ दर्शाया गया है। पुराने ज़माने में जो दरी बुनाई जाती थी, ये कि जो हमारे बीच में माता मौजूद है, वो किस कदर से जो पुरानी महिलाएं हैं वो अपने घर में दरी वगैरह बुनती थी, हमारे बीच में मौजूद है। गीता जयंती के बीच में एक बहुत अच्छा कलाकारी दिखा रही है, अपना दरी बुन के हाथ से बुनाई का हम आपको सीन दिखा रहे हैं यहाँ से। ये आपके सामने दिखाई गई ये ऊँट के पिलान है, जो ये ऊँट के ऊपर रखा जाते थे पुराने ज़माने में, ये एक पिलान दिखाए हुए हैं। हमारे बीच में एक ताऊ मौजूद है जो यहाँ पर तैनात हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये ताऊ किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? ये ऊँट वो रखते हैं जी राजस्थान में जी, और वो इसको चलाते हैं, सवारी करते हैं जी। अब ये मोटरसाइकिल हो गए, पहले इसका प्रचलन था, अब ये राजस्थान में रहा है सिर्फ, और कहीं नहीं है जी। तो ये जिस कदर से आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से पुराना जो पुरानता हरियाणा था, राजस्थान था, पुरानी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। इस प्रकार से पुराने ज़माने में एक सूत को काटा जाता था, और ताऊ जो हमारे बीच में मौजूद है कि सूती कपड़ा जो बना रहा है, कपड़े का निर्माण कार्य दिखाया गया है। एक बहुत ही अद्भुत दृश्य आपके सामने है कि किस कदर से कपड़े का निर्माण होता था पुरानता ज़माने में, पुराने ज़माने में, और अब तो मशीनों का ज़माना आ गया। ये बहुत ही अद्भुत जो आपको नज़ारे दिखा रहे हैं गीता जयंती पर, एक जो हरियाणा संस्कृति थी, हमारे पूर्वजों की जो कार्य करने शैली थी उसको दिखाया गया है बहुत ही तमाम तरीके से। ने आपका अवलोकन करवाया है कि कंप्लीट जो हमारा पूर्ण हरियाणा यहाँ पे बसा हुआ है, हमारे पूर्ण जो कल्चर था, पुराना प्रांतव कल्चर था, आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी किस कदर से बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा बीजना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाई गई है यहाँ पर, दर्शाई गई है। गीता जयंती का उत्सव एक ये बहुत ही अद्भुत तरीके से हमारा जो पुराना कल्चर था उसको दोबारा से संजोकर, जो आज के जो हमारी युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो पुराना कल्चर भूलते जा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये आयोजन किया गया है। अत्रकाश टीवी से लगातार बने रहिए, अत्रकाश टीवी आपको तमाम जो लाइव अपडेट देता रहेगा यहाँ से गीता जयंती के उत्सव से, और जो भी यहाँ पर प्रतिक्रिया होगी अत्रकाश टीवी लगातार आप तक पहुँचा रहा है। मैं अरविंद शर्मा कुरुक्षेत्र से। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।